भारतीय जनता पार्टी के बादशाहपुर मंडल अध्यक्ष जयवीर यादव के कार्यालय पर भाजपा कार्यकर्ताओं एवं स्थानीय लोगों ने एकत्रित होकर सामूहिक रूप से मन की बात कार्यक्रम को सुना। इस अवसर पर जयवीर यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले कई वर्षों से लगातार मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से देश के हर वर्ग को जागरूक करने का काम कर रहे हैं और रोहतक के सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं का जिक्र करके प्रदेश की महिलाओं को प्रोत्साहित करने का काम किया है। आज माननीय प्रधानमंत्री देश के बहुत ही यशस्वी ओजस्वी उन्होंने आज अपने मन की बात सभी देश भर के कार्यकर्ताओं के बीच में रखी और देश की जनता के बीच में रखी। और मतलब जो मन की बात में जो उनकी विशेषताएं हैं वो ये है कि वो कभी भी उसमें पॉलिटिकल बातें नहीं करते। वो बातें करते हैं कि कोई जो अच्छा काम देश में हुआ हो, किसी तरह का काम देश में हुआ हो, उसकी बात वो मन की बात में करते हैं। तो मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मन की बात को हमने सुना आज अपने बूथ नंबर 363 में। ये भी पुल वर्ल्ड का बूथ है। यहाँ पर हमें सभी अपने बूथ के कार्यकर्ताओं के साथ, बूथ का त्रिदेव और शक्ति केंद्र प्रमुख और हमारे बूथ की समिति के सदस्य सभी के साथ हमने आज मन की बात को देखा और सुना। इस मौके पर सभी कार्यकर्ताओं ने मिलकर एक बार तीसरी बार हरियाणा में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का सभी ने निर्णय लिया और सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर इस काम में आज से ही लग जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।